के साथ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नैनीताल में चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है जिसके बाद यात्रा मार्ग से जुड़े लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने केदारनाथ धाम में 800 भक्तों को, बद्रीनाथ धाम में 1200 और गंगोत्री में 600 यात्रियों को जाने की अनुमति दे दी है और यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि सभी यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा और चार धाम यात्रा के दौरान जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भक्त या यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। तमाम तरीके की पाबंदियां भी लगाई गई हैं और कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसी के आधार पर यात्रियों को जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन राहत की खबर ये माने कि चार धाम यात्रा पर जो रोक लगाई गई थी उसे फिलहाल हटा दिया गया है और अब यात्री आराम से भगवान के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन स्नान नहीं कर पाएंगे और नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। कोरोना की जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि कोर्ट के जो भी नियम है, नियमावली है, उसका अक्षर से पालन होगा और हम पूरे विजिलेंस के साथ इस यात्रा को करेंगे और निश्चित रूप में बहुत जो भक्तगण हैं चार धाम यात्रा के, जो भक्तगण हैं वो चाहते थे यात्रा शुरू हो, अब ये शुरू हो गई है। इसमें सारी चीज़ का नियमों का पालन किया जाएगा और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि विंटर के अंदर भी हम बड़े पैमाने से जो है टूरिज्म को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का जो आर्थिक थोड़ी हानि हुई है उसकी भरपाई हो सके। मैं उन सब साथियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं जो इस चार धाम यात्रा को खोलने के लिए संघर्षरत थे और कांग्रेस के इस संघर्ष के साथ शामिल थे। आज उनकी जीत का दिन है। माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और सरकार को ये सबक है कि सरकार हठधर्मिता पर न रहे, हमेशा सरकार विपक्ष की बातों को भी सुने। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद और तीर्थ पुरोहित हकाकुकधारी महापंचायत का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस आंदोलन को इतने समय तक सहयोग किया और उस आंदोलन की परिणति हुई कि कोर्ट सरकार को कोर्ट के सामने समक्ष जा करके झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि अगर आर्थिकी सही नहीं हो, वहाँ पर अगर यात्रा नहीं खुलती है तो आर्थिकी सही नहीं हो पाएगी और जो यात्रा अब खुलेगी उन यात्रा से वहाँ के जो स्थानीय हकाकुकधारी पंडा पुरोहित तीर्थ समाज के लोग हैं उनकी थोड़ा बहुत जो भी आर्थिकी होगी कम से कम वो तो बची रहेगी। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, हाईकोर्ट का ये अहम फैसला चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत देने वाला? देखिए बिल्कुल, न सिर्फ यात्रियों को बल्कि उन लोगों को भी जो लोग सीधे सीधे इससे जुड़े हुए थे, जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ था, जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो कोविड काल रहा, पिछले साल भी देखें, इस साल भी देखें, चारधाम यात्रा का जो सीजन होता है अमूमन इस दौरान उत्तराखंड को अनुमानित तकरीबन 2000 करोड़ का एक तरीके से इससे आर्थिक उत्तराखंड को लाभ होता है। लेकिन पिछले साल भी यात्रा नहीं चली, इस साल भी स्थितियाँ नहीं बन पा रही थी, तो ऐसे में लोगों को भी नुकसान हो रहा था, सरकार को तो हो ही रहा था, लेकिन आम लोग जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है उन लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लगातार वो मांग कर रहे थे सरकार पर, एक तरीके से वो लोग भी ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से व्यवस्थित तौर पे कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस यात्रा को शुरू करवाया जाए। सरकार की तरफ से पहले आदेश भी किए गए लेकिन मामला हाईकोर्ट में गया, वहां से सरकार को झटका लगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, बाद में सरकार ने तय किया कि वहां दायर SLP वापस लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आज हाईकोर्ट से जो डिसीजन आया निश्चित तौर पर राहत भरा डिसीजन है। हालांकि जो संख्या है वो इसमें निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से अब सरकार भी अपनी तैयारियां करेगी। जो दिशा निर्देश है चारधाम पंचायत के प्रवक्ता हैं विजय जी, क्या कुछ कहेंगे? जो हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, जो मांग आप लोग कर रहे थे, वही फैसला हाईकोर्ट ने भी दिया है, एक बड़ी राहत? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं को अब चारों धामों में आमंत्रित करेंगे। जैसा कि आपको विदित है 28 जून को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, राज्य सरकार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में SOP को SLP दायर की थी और अब आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो है चार धाम यात्रा पर रोक हटा दी है। तो हम इसके लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल एवं राज्य सरकार का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस निर्णय का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। अगर मैं बद्रीनाथ धाम की बात करूं तो बद्रीनाथ धाम की बात केवल दो महत्वपूर्ण महत्व है वहां पर,
एक नारायण का दर्शन और पितरों का उद्धार, और श्राद्ध पक्ष में केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से और नेपाल से, दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। हमको खुद श्रद्धालुओं के बिल्कुल सती जी मैं लौटूंगी आपके पास। नरेशानंद नौटियाल जी मुख्य पुजारी है मंदिर के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौटियाल जी कैसे आप देख रहे हैं, हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है भक्तों को, साथ ही साथ जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए थे जिनका रोजगार इन्हीं सब चीजों से चल रहा था उन्हें भी? जी देखिए, भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी और विगत 5 माह लगभग हो चुके हैं कपाट खुले हुए, और उत्तराखंड की सरकार अपनी इन 5 महीनों के कार्यकाल में एक बार भी कोर्ट के समक्ष सही कोई तथ्य नहीं रख पाई, और उन तथ्यों का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहां के हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित पंडा समाज और वहां पे रहने वाले जितने भी निवासरत लोग थे वो आंदोलित हो गए, और अभी तक भी वो आज के समय तक भी प्रातःकाल आंदोलन कर रहे थे। मैं चारधाम महापंचायत का भी मीडिया प्रभारी हूँ, और हमने विगत लगातार लंबे समय से इसके लिए संघर्ष किया, बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा के संदर्भ में बात की, और भगवान बद्री विशाल जी की कृपा बनी कि उनके ही आशीर्वाद से ये यात्रा खुली है, कोर्ट के निर्देश से यात्रा खुली है। सरकार ने कोई ऐसा निर्णय यहाँ पे नहीं कर पाई कि उसे यात्रा कब खुलवानी है, क्योंकि पूर्व में भी जो बद्रीनाथ के विधायक थे वो तो कभी कहते हैं हम 19 तारीख से खोल देंगे, कभी कहते हैं कि हम 28 तारीख से खोल देंगे, 28 अगस्त से खोल देंगे, 19 अगस्त से खोल देंगे, लेकिन वो यात्रा खुलने की बजाय एक आशयपद बात करते ही रह गए। पुजारी जी, अब ये जो आप कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, आंदोलन हो रहा था, लेकिन अभी आंदोलन कम से कम खत्म हो जाएगा इस फैसले के बाद? देखिए, वो तो आंदोलन तो इसी के लिए था कि यात्रा आप शुरू करवाइए, वहां के आराध्य देव के हमें दर्शन करवाइए, और जब भगवान आराध्य देव के हमें दर्शन होंगे तो हम फिर वहां के निवासरत लोग ही उसके बाद भगवान का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी पौराणिक संस्कृति रही है, हम वहाँ के आराधक हैं, हम वहाँ के पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, तभी हम वहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हैं। हम तो अपने पास में भगवान का जो निर्माल्य प्रसाद होता है वो अपने पैर में लेकर के चलते हैं, कहीं पे भी अगर हम कोई भोग प्रसाद इत्यादि जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें वो तुलसी और निर्माल्य प्रसाद डाल करके ही ग्रहण करते हैं। हमारे दिया पुजारी जी, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रजेश सती जी, लेकिन कई तरीके के नियम भी बनाए गए हैं और उनका पालन करना जरूरी होगा, श्रद्धालुओं की संख्या जो है उसको भी सीमित रखा गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो पिछले 4 महीनों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा था और चारों धामों में यात्रियों के आवागमन पर रोक लगा था, इससे निश्चित रूप से केवल उत्तराखंड के परिपेक्ष में ही ये बात नहीं देखी जानी चाहिए कि केवल पंडा पुरोहित एवं तीर्थ यात्रियों के या हकोकूधारियों के आर्थिक नुकसान हुआ है या उनको प्रभावित हुए हैं। इसमें जो है आपके मुंबई से लेके माणा तक, पांडुचेरी से लेके पांडुकेश्वर तक सभी लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है या चाहे वो टूरिस्ट होटलिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो, या घोड़े खच्चर जो हमारे यहाँ केदारनाथ यात्रा मार्ग पे हैं, चाहे यमुनोत्री यात्रा मार्ग पे हैं, उन लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। और यहाँ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जो तुलसी की माला केवल बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाई जाती है, उस तुलसी की माला के व्यवसाय से जुड़े हमारी सैकड़ों महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या स्वयं रोजगार के माध्यम से रोजगार करती थी और आर्थिक उनका जो है इस तुलसी की माला बेचने से होता था, वो लोग बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। और पिछले साल भी जो है 8 जुलाई को यात्रा खुली थी और इस बार भी जो है अब यात्रा के केवल 1.5 माह का समय बाकी है, क्योंकि भैया दूज के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद हो जाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन 1.5 माह में किस तरह से यात्री यहाँ पर आते हैं, और एक हाईकोर्ट ने एक प्रतिबंध तो लगा ही दिया है और यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। बद्रीनाथ में केवल 1,000 यात्री जा पाएगा, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400। पुजारी जी, जिस बात का जिक्र सती जी भी कर रहे हैं कि 2 साल से हम देख रहे थे कि यात्रा नहीं हो पा रही थी और अब जबकि हाईकोर्ट ने जो रोक लगी हुई थी उसे हटा दिया है, तो वक्त बहुत ही कम होगा क्योंकि नवंबर में दिवाली के बाद तो शीतकालीन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। जी हाँ, भैया दूज के दिन 3 धामों के कपाट, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद हो जाएंगे लगभग, यानी सती जी मेरा सवाल पुजारी जी से था, नरेशानंद जी से। जी जी जी, देखिए, भगवान बद्री विशाल जी के कपाट तो मानसिर के एक भोग का उपरांत ही होता है, लेकिन जब भगवान बद्री विशाल जी से पहले जब केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे, माँ यमुना के कपाट बंद होंगे, माँ गंगा के कपाट बंद होंगे,
ये सारी परंपराएं लगभग 7 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे जाकर के ये जो है नवंबर के मैं आप सभी के पास। लेकिन सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सुबोध उनियाल जी, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे आप? चलिए साहब, अच्छी बात है, कम से कम इंदिराज के लोगों की जो अपेक्षाएं थी कि यात्रा प्रारंभ हो और जो सरकार की मंशा थी, सरकार ने तो 1 जुलाई से स्थानीय जनपद के नागरिकों के लिए मसलन बद्रीनाथ के दर्शन, चमोली जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ के दर्शन, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए और उत्तरकाशी जनपद के लोगों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिए थे और उसके बाद सेकेंड फेज में हम लोगों ने राज्य के अंतर के लोगों को अलाउ करने का निर्णय लिया था। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि ये सरकार के लिए भी सबक है ये फैसला। कांग्रेस क्या कहती है इससे हमें चिंता नहीं है। हमारा देखिए, हमारा पहले भी कहना था कि हाईकोर्ट का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस ये जानने के बावजूद आप जिस पार्टी के लोगों का दिवालिया, मानसिक दिवालियापन निकल चुका हो, जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस हो, अगर इनको मालूम हुआ कि उच्च न्यायालय में 16 तारीख को ऐसे बहस होनी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर उच्च न्यायालय की बहस में ही जेल लगाने का निर्णय लिया, उसके बाद इन लोगों ने पब्लिक को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, आंदोलन करने का एक नौटंकी इस राज्य में की। लेकिन समझूंगी, इस मामलों पर कभी भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और सरकार पूरी तरह से, जो आपको मालूम है कि 1 जुलाई से जब हमने स्थानीय लोगों के लिए यात्रा प्रारंभ की थी तो उस समय हम लोग पूरी तरह से जो सुविधाएं होती है उसको पूरा करने के बाद ही हम लोगों ने यह यात्रा शुभारंभ करने का निर्णय लिया था। उनियाल जी, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं क्योंकि एक तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सीमित है और चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री पहुंचते हैं, तो कम से कम उनकी हिफाजत सही तरीके से हो सके और उन्हें सुगम यात्रा मिल सके, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, हम पूरी तरह से तैयार थे यात्रा के लिए। हमने इस दौरान जो आपने जिस तरह कहा, जब हमने राज्य के लोगों के लिए शुरुआत की थी तो राज्य के अंदर में सारी सुविधाएं को लेकर के हम लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली थी और इस दौरान हमने पूरी तैयारियां भी कर ली। लेकिन प्रश्न ये है, उस समय भी हम सीमित संख्या में थे और अगर आपको ध्यान होगा तो जब केदारनाथ की घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा दुर्घटना केदारनाथ में हुई, उस साल भी हम लोगों ने संख्या को रिस्ट्रिक्ट करके और बाकायदा एक मैकेनिज्म के माध्यम से पूरी की पूरी यात्रा को हम लोगों ने संपन्न कराया था। तो ये हम लोग इस मामले में आज की तारीख में पूरी तरह से तैयार हैं कि किस तरह से सीमित संख्या में यात्रियों को दर्शन कराएं, उनके रुकने की व्यवस्था, उनको किस तरह से किस तरह फेजेज में भेजना है, ये सारी चीज को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। उनियाल जी, लेकिन क्योंकि इस बीच पिछले 2 सालों से जबकि यात्रा नहीं हो रही थी तो जो लोग इन्हीं के जरिए अपना रोजगार चलाते थे उनकी आर्थिकी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, अब ये कहें कि कम से कम उनकी जो जिंदगी है वो भी पटरी पर आ सकेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं समझता हूँ कोविड की परिस्थितियों में ऐसा कोई वर्ग नहीं समाज का है जो उससे प्रभावित न हुआ हो, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल महामारी थी और सरकारों पर भी इसका सबसे ज्यादा असर सरकारों में पड़ा, उसके बावजूद हमने अपने राज्य। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। तो हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है।